ये देखिए फिर से उसने फॉल शुरू हो गया। बस थोड़ा पेड़ ऊपर ये देखिए, ये हमारे कैंप है, क्या आपको दिख रहे हैं? ये देखिए तो आज डेट है 24 फरवरी, टाइम हो रहा है 8:20। ओ भाई साहब, सुबह के बज रहे हैं 8 और मौसम आप देखिए क्या खतरनाक है, ठंड जबरदस्त है और रात में फिर से स्नोफॉल हुआ, फिर हमारा तंबू बर्फ में लबालब हो गया है और चारों तरफ बर्फ बर्फ है और सामने वो देखिए कितना खूबसूरत ये देखिए फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया सुबह का, क्या बात है। स्नोफॉल जो बहुत तेज है और ऊपर लगा है कैंप, वहाँ जा रहे हैं फ्रेश होने। मौसम पेड़ों पर कितनी खूबसूरत है, वाह। ये अपना लगा है एक तंबू, इसी के अंदर फ्रेश होना है, अरे कुछ बर्फ के अंदर बाहर का माहौल। ये तो कैंप है जो फ्रेश होने वाला है, ये कुछ इस तरीके का होता है अंदर से, ये उन्होंने यहाँ बना रखा है अंदर, ऐसी बैठिए तो करिए। भाई साहब अपनी कौन सी पार्टी चल रही है? गोवा पार्टी चल रही है जूडा के तालाब पर। ब्रेकफास्ट रूटीन स्नो बार बार भी दिखा दो और टेम्परेचर भी होगा -10-12 के आसपास। कब रात में भी स्नोफॉल हुआ है? रात में खूब दबा के स्नोफॉल हुआ है, सुबह भी हुआ है, स्नोफॉल देखने की तमन्ना जी भर के पूरी हो गई। मजा जी हमको साहब, ये गियर बनाए जा रहे हैं हम। हो गया सब, देख लो एक बार तैयारी हो गई है अभी। ये इसमें ये वाला टाइट कर, यहाँ ऊपर वाला टाइट करो, टाइट कौन सा ये वाला, ये नीचे का, नीचे की डोरी भी करो टाइट। ये कोई फंसता है क्या? और चलना अभी से पहन के जूला के तालाब से, जूला के तालाब की तरफ चलते हुए अब यहाँ से अलविदा लेते। राणा जी हमें माफ करना और जूड़ा की तालाब की तरफ अग्रसर होते हुए पीछे हमारे भाई लोग आ रहे हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा, आप ये देख सकते हैं रास्ता, बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन लेवल कम है, बहुत कम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं उसे, कंधे पे वजन बहुत ज़्यादा। हाँ, ये जो बैग लगा ना इससे बहुत दिक्कत, ये बिल्कुल ताज़ा बर्फ गिरा है कल, जिससे ये ट्रैक पूरा दब गया है। चलते हैं आगे, अपने कैंप से आधा या 1.5 घंटे लगा हुआ जूड़ा के तालाब पहुँच गए हैं। हेलो भाई साहब, इधर उधर भागो, तुम्हारे पीछे भागेगा।
हाँ ऐसे कैसे धक्का भी दे दो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह ऊपर चढ़ना है बहुत स्टीप चारों तरफ हमारे निमित भाई सबको लीड करते हुए निमित भाई से हेलो निमित भाई के पीछे हमारे पीयूष भाई दो पहिया सवारी सब पे भारी हल्की हो या भारी हल्की हो या भारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये बढ़ते चलो सूरज भाई ये कह रहे बाहुबली साला और पीछे हमारे आ रहे हैं राणा जी हमको माफ करना तो पूरा ऊपर तक जाना है बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल तो ऊपर दिख रहा है ओ भाई तो ये देखिए कितने नीचे से बेस कैंप के लिए बिल्कुल स्टीप आपको आना है हाँ जी आ जाओ बाहुबली शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु वाज नाद नवल सृष्टि साज दिग दिग तक दिग 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 द
त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी। अभी फिलहाल केदारकंठा बेस कैंप पहुंच गए। टाइम लगभग हो रहा है 12:30। आज यहीं पे रुकेंगे और कल अगर मौसम साफ हुआ तो समिट के लिए निकलेंगे। तो भाई साहब बेस कैंप पे पहुंच गए। बेस कैंप का मौसम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रहा मौसम कितना। तो भाई साहब बादलों के बीच में, बादलों के बीच में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम ख़राब है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बीच में हम चार बावले लोग खेल रहे हैं। ज़बरदस्त सीरीज को देखने के लिए मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दो पहिया सवारी हल्की और भारी, और इसके बाद आपको और भी सवारी ये बहुत दूर दूर लेके जाएगी। अभी गंगोत्री यमुनोत्री लद्दाख और भी ट्रैक करने मज़ा आएगा बहुत। अरे भाई साहब बैठ जाओ यार। हाँ आजा आजा
ये बहुत साकरे रास्ते पे। यस ओ सूरज भाई भी तो हो जाएंगे ये गटर। ओ देखो ये देख लो भाई साहब को, दो पहिया सवारी सब पे भारी, हल्की हो या भारी, सूरज भाई यहाँ गाड़ सिलने की तैयारी। ये केदार कंठा बेस कैंप और यहाँ पे हमारा कैंपिंग लग रहा है, कैंप तैयार हो रहा है। एक कैंप अपना लग के तैयार हो गया और दूसरा भैया ये दफन हो चुका है बर्फ में। इसकी खुदाई चल रही है अभी, ये भी तैयार हो जाएगा ऐसे। तो भैया राणा जी ने आज हमें दिया है क्या, कड़ी चावल, कड़ी चावल और हरी मिर्चा दी है भाई, जब ठंड में मिर्चा खाओ। और पापड़ भी देंगे, सेक रहे हैं पापड़ भी मिलेगा, मजा आ गया। हाँ, क्या बात है, -10-12 डिग्री टेम्परेचर में आपको कड़ी चावल मिल रहा है, अलग ही लेवल, गरम गरम चावल। केदार कंठा बेस कैंप पे ये देखिए जबरदस्त तरीके से बर्फ गिर रही है, क्या लगे चारों तरफ, इतना हाथ पाप करेगा इतनी ठंड में क्या पी रहे हैं। मुझे लग रही पैसा आप इसमें फॉल देखिए है, क्या खतरनाक वाली इसमें फॉल हो रही है, बहुत ही जबरदस्त वाली इसमें फॉल है, बहुत तेज वाली, इतनी तेज इसमें फॉल हो रही है आपको तो अंदाजा नहीं लगा सकते, खतरनाक वाली इसका। तो हमारे तंबू को लगे दो बर्फ के बीच में, तो चारों तरफ वहाँ बर्फ का रिश्ता है, ये दब गया पूरा फॉल। ये देखिए वाह तो ये रुक जाए इसमें फॉल तो आ जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, रखते पता लगे अंदर ना घुस जाके बस के। ओ भाई साहब ये हमारे तंबू के ऊपर बर्फ जमने शुरू हो गई, खतरनाक वाली, ये देख रहे हो अलग ही मजा, अलग ही लेवल का मजा है। हाँ बना रहा, ओहो हो नीट आवर स्नोमैन, स्नोमैन दबा के स्नोफॉल हो रही, दबा के एकदम खतरनाक वाली स्नोफॉल हो रही है। हाँ और इधर अपनी चल रही क्या, ये बॉन फायर वाली बात देखो भाई साहब, हाँ 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 यहाँ और पीछे स्नोफॉल, और कॉफ़ी बन रही है अभी अपनी भैया, कॉफ़ी बना रहे हैं। ये देखिए जरा क्या खतरनाक लेवल का मौसम है, ओहो बहुत बर्फ है, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, अब तो बहुत तेज हो गया, ओहो हाँ 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 भाई साहब क्या इसमें हो रहा है, वाह वाह वाह, अल्टीमेट खतरनाक,
ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा तूफान आ गया। ये स्नो फॉल नहीं, ये स्नो फॉल का तूफान सा बिल्कुल। भाई साहब इतनी भयंकर स्नो फॉल हो रही है, बहुत तेज विकट वाली स्नो फॉल, बहुत जबरदस्त वाली, खतरनाक। शाम के बज रहे हैं 6:15 और ये 2 मैगी और 2 ये ब्लैक टी। और भाई साहब तंबू देखिए हमारा, हाथ ये बाहर बर्फ दिख रही है आपको, इधर बर्फ कुछ नहीं है। एक निमित भाई और एक हम, दो लोग बस यहाँ है, बैंड बजी पड़ी है। बाहर इतनी तेज स्नो फॉल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी बरस रहा है। देखिए इतनी स्नो ऊपर, कितनी बर्फ। ये देखिए आप, इसे कहते हैं ये खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है, समझिए भाई साहब। ये बहुत ही जबरदस्त वाला स्नोफॉल, जरा मेरे पैर देखिए, जूते देखिए और बाहर का आप स्नोफॉल का नजारा देख ली, सब दफन हो गया बिल्कुल, सब कुछ इतने कैंप वैम्प दिख रहे हैं, सब दफन हो गए। बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रहा है और ये लग रहा है क्या होगा भाई, ये भाई जो राम रची राखा, जबरदस्त स्नोफॉल, ढेर लग गया ऊपर की जैकेट में। ये देखिए मेकअप। ये हमारे परेश भाई साहब क्या काट रहे हैं, टमाटर, और राणा जी गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं प्यार में। और आज बन रहा है राजमा, और क्या बताया आपने, बैगन का भरता, गुलाब जामुन बन रहा है। और ये देखिए ये कौन कौन लोग बैठे हैं अंधेरे में, आप देख सकते हैं। ये देखिए गोपंदेरा, बाहर ऐसी स्नोफॉल हो रही है कि आप जिसका अंदाजा लगा, वो सारी वीडियो आपको दिखाई देंगी, सब कुछ दिखाई देगा। अभी तो फिलहाल खाना बन रहा है, बिल्कुल तर बतर कर दिया टमाटर को। अरे भाई साहब कतले आम मचा दिया इन्होंने, ओहो। वो पंदेरा ऐसे खतरनाक, बहुत जबरदस्त संदेश है, आम मजा आता है सबके साथ। राणा जी हमको माफ कर, आज डेट है 24 फरवरी, टाइम हो रहा है 8:20 रात के, और इस समय हम है केदारकंठा बेस कैंप पे। ये देखिए खाने में आज क्या मिला है, रोटी, गुलाब जामुन, और ये राजमा, ये बैगन का भरता, पापड़, रोटी। हाँ भाई साहब है जलवा, लालच अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, ये खाली फोटो में देख के कुछ मज़ा नहीं आएगा, ये यहाँ आके जब आप खाएंगे तब इसका मज़ा जो है वो अलग ही मिलेगा। आप देख रहे हैं रात कितनी भयंकर हो गई है और कुछ भी दिख नहीं रहा, बिल्कुल गुप अंधेरा है, और हमें अपने कैंप तक जाना है, और स्नोफॉल हो रही है शायद आपको मोबाइल में, ये देखिए दिख रही है, ये पीछे के पीछे भी लोग आ रहे हैं, पीछे मेरे, ये मैं चल रहा हूँ, दिख रहा है, और बर्फ, ये देखिए ये हमारे कैंप है, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, हो ये दोनों एक एक कैंप है, एक ये कैंप है, और ऊपर देख रहे हैं बर्फ, ये कितना भयंकर, ये बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ है, सब दोनों कैंप दफन है, इसको बर्फ हटाना है, इसके अंदर जाना है, बहुत चीज़ें हैं, ये सब रास्ते भी ये सब ख़त्म हो गए हैं, साइड से झड़ेगी नहीं, झड़ ही नहीं सकती, नीचे अंदर से हट सकती, अंदर से साइड से अंदर से हाथ लगाऊंगा नीचे से तभी नीचे को आएगी। अभी आपको दिखाते हैं अंदर का हाल, कैंप के अंदर हमें किस तरीके से अपनी ये रात गुजारनी है। अब समिट का पता नहीं, रात में 2 बजे फिलहाल नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद ना ही समझें, सुबह हो सकता है कि 6 बजे करीब समिट हम कर पाएँ। तो ये अपना कुछ टेंट है इस तरीके का, 2 लोग इसमें ठहरे हैं और 2 लोग उस वाले कैंप में, ये इस वाले कैंप में, जो अंदर का हालात देख लिए, ये है
ये स्लीपिंग बैग रखे।